गुड मॉर्निंग मिथेरियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं और अदर पर्सन जो भी मैनेजमेंट में आते हैं उनके साथ डिस्कस करने के बाद हमें एक वीक के लिए ऑफर और मिल चुका है जिसका नाम है सक्सेस डे सेलिब्रेशन ऑफर, और सेम बेनिफिट्स को कंपनी ने कंटिन्यू किया है। तो दोस्तों हमारे पास अनदर वन वीक है कि हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं, और ये रिक्वेस्ट हम लीडर्स ने क्यों की है अपनी टीम के बिहाफ पर, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, सक्सेस डे थे, जो एडवांटेज हमें एनिवर्सरी ऑफर का उठाना चाहिए था हम वो नहीं उठा पाए। तो दोस्तों ये वन वीक की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने और है, क्योंकि 2 दिसंबर ऑनवर्ड्स फिर जो स्टेकिंग पीरियड होगा स्मार्ट का वो 900 डेज हो जाएगा और फिक्स का 3 इयर्स हो जाएगा। साथ में जो परसेंटेज है स्टेकिंग की, जो APR हम जिसको बोलते हैं एनुअल परसेंटेज रिटर्न, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो आपके पास वन वीक का टाइम है, अगर आप अपनी स्टेकिंग अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं सेम पैकेज वैल्यू के अंदर, तो वन वीक का ऑफर आपके पास है। और इस वन वीक के अंदर में भी हमें अनदर अनाउंसमेंट सुनने को भी मिल सकती है और प्राइस के अंदर हम मूवमेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बिगिनिंग मंथ में बताया था नवंबर में कि जब हमारी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सर्कुलेटिंग सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ साथ जब हमारी मार्केट कैप अपडेट हो जाएगी तो जो हमारा एम कॉइन का रैंकिंग है वो टॉप 100 या टॉप 150 में चला जाएगा, तो उससे भी एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि प्राइस में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं इनवाइस को लेके, क्योंकि काफी यूजर हैं जो बोलते हैं हम इनवाइस प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बैकएंड पे कंपनी डेवलप कर रही थी हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, तो पहला चेंजेस अगर आप देखें आपकी सिक्योरिटी के अंदर जो KYC में भी कंपनी ने आपका एक तो फेस रिकॉर्ड करवा रही है, दूसरा आपका जो आपने अपना डॉक्यूमेंट पकड़ के जो अपना सेल्फी अपना फोटो क्लिक करना है वो दो चीजें अपलोड करनी है, ताकि कोई भी हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी या कोई भी AI के थ्रू फेक डॉक्यूमेंट जनरेट करके आपके अकाउंट से विड्रॉ ना कर पाए। तो इसके पीछे सिर्फ यही कंसर्न है। उसी के साथ कंपनी ने अलग अलग सब्सक्रिप्शन पे जो भी आपके पास लिमिट थी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, मेरी मीथर में जो स्टार्टिंग है वो 2020 में हुई है और उसके बाद से लेके अभी तक मैं बहुत सारे पैकेजेस बाय कर चुका हूं, और आपको पता है ये जो इंडस्ट्री है ये बाय एंड होल्ड के साथ चलती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट डे बाय डे ग्रो कर रहा है, एवरी मंथ 100K मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग नए पार्टिसिपेशन करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। और इसी के बिहाफ पे कंपनी चाहती है कि जिस तरीके से हमने 3 साल तक अपने प्राइस को हम ग्रोइंग मोड में लेके आए हैं, नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर भी हम इसको ऐसे ही लेके चलें, जब तक हमारा कॉइन टॉप 5 या टॉप 10 टोटल एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं होने लगता है, जब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली का 100 मिलियन 200 मिलियन हो जाएगा, फिर दोस्तों आपको किसी भी टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे हमारी कम्युनिटी में जो यूजर बेस होगा मे बी 100 मिलियन यूजर होगा। तो जस्ट अगर हम बात करते हैं, हमारी कंपनी ने स्टेकिंग पीरियड के ऊपर एक टर्म अप्लाई की हुई है। अगर मैंने 2020 में कोई पैकेज लिया है तो मेरी स्टेकिंग पीरियड पूरा है, लेकिन मैं जो अपना विड्रॉ कर सकता हूं वो अपने स्टेकिंग वैल्यू का 2x कर सकता हूं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने $90 का कोई पैकेज लिया स्टेकिंग, तो मैं $180 का अपना स्टेकिंग वैल्यू का कॉइन निकाल सकता हूं। अगर मैं उसको होल्ड करता हूं, होल्ड करके चाहे मैं उसको $1000 का सेल करूं, $1500 का सेल करूं, वो मेरा कंसर्न है। लेकिन जब मैं विड्रॉवल प्लेस करता हूं तो उस विड्रॉ टाइम में जो भी प्राइस होगा कंपनी उसको कैलकुलेट करती है। ये सिर्फ मार्केट को स्ट्रोंग रखने के लिए है कि हमारे एमकॉइन की जो मार्केट है उसमें एक स्टेबिलिटी रहे, और यही कारण है कि लास्ट 3 इयर्स से जो अगर हम देखें तो हमारा प्राइस जो है वो ग्रोथ में ही है। साथ में अभी कंपनी ऑप्शन दे रही है जो लोग 2x वैल्यू विड्रॉ कर चुके हैं प्लस 730 डेज जिनके पूरे हो चुके हैं, तो इन हम ये बोल सकते हैं कि मंडे ऑनवर्ड्स
इस मंडे जो 2 दिन के बाद मंडे आने वाला है, आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो होगा रीस्टेक करने का, रीस्टेक करने के साथ साथ एक ऑप्शन होगा कि आप पार्शियली विड्रॉ कर पाएंगे, और जो भी आप पैकेज पहले अपग्रेड करते थे और अपग्रेड करके इंस्टेंट MUSD या आप विड्रॉ कर लेते थे तो दोस्तों भी वो नहीं हो पाएगा। हर सब्सक्रिप्शन का अलग अलग चलेगा। मैंने अगर 10 पैकेज लिए तो मेरे 10 पैकेज की जो स्टेकिंग की हिस्ट्री है वो अलग अलग आएगी, और जिस पैकेज का जो भी स्टेकिंग बैलेंस अवेलेबल होगा मैं सिर्फ उसको ही यूज कर पाऊंगा। अगर प्रीवियस पैकेज में मेरे पास अवेलेबल बैलेंस ज्यादा है तो जो टर्म उस पैकेज के ऊपर लगेगी मैं उतना ही यूज कर पाऊंगा, नए वाले पे मैं जो नए वाले आ रहे होंगे उनके हिसाब से यूज कर पाऊंगा। तो इस बात का प्लीज आप जरूर ध्यान रखें, और बाय के ऊपर एंड होल्ड के ऊपर जरूर फोकस करें, क्योंकि और दो साल आप देख रहे हैं कि 10 सेंट से प्राइस $3 तक टच हुआ है, 3 से 5 भी जाएगा, 10 भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन ऊपर तभी जाएगा जब हम बाय करके होल्ड करेंगे और लोगों को हम बताएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों लॉन्ग लास्टिंग है, हमारे प्रोजेक्ट में क्यों ग्रोथ होगी, हमारा प्रोजेक्ट क्या क्या बिल्ड कर रहा है। दोस्तों आज मैं भी इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूं, लेकिन जो मीथर ने बिल्ड कर लिया है वो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। तो एज ए अच्छी कम्युनिटी होने के नाते हमें अपने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है, ठीक है, और हमें अपनी टीम को भी सपोर्ट करना है। अगर किसी को कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो आपने उनको बड़े प्यार से समझाना है। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर।